सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें किस तरीके से लिखते हैं कि उत्तराखंड के लोग जो है हाईवे पर साथ ही देखिए कितनी बड़ी विडंबना है इस प्रदेश की कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत बार बार सीना ठोक कर कहते हैं कि मैं चरणबद्ध तरीके से शराबबंदी कराऊंगा, लेकिन देखने को कुछ और ही मिल रहा है, इसके उलट मिल रहा है वो ये कि चरणबद्ध तरीके से किस तरह से गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले और घर-घर दारू सप्लाई करने की मुहिम पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत और उनका पूरा मंत्रिमंडल और समस्त सरकार लगी हुई है। जब अतिथि शिक्षक का मुद्दा आता है, जब संविदा कर्मियों का मुद्दा आता है, तब ये कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाते। किसी भी जनहित के सरोकार के लिए ये अभी तक कोर्ट कचहरी की परिक्रमा करने नहीं गए, लेकिन ये परिक्रमा अगर न्यायालय की कर रहे हैं तो सिर्फ एक बात पर कर रहे हैं और वो ये है कि हम पर से प्रतिबंध हटाया जाए। और न्यायालय ने इनकी गुहार सुन भी ली और अब आप देखेंगे कि हर एक परिवार जो है उत्तराखंड का किस तरह से नशे में चूर आपको दिखाई पड़ेगा। मातृशक्ति का घोर अपमान, मातृशक्ति की अवमानना, कोर्ट कचहरी की अवमानना, सब कुछ लोकतंत्र से ऊपर हो गए ये भाजपाई, संविधान से ऊपर हो गए ये भाजपाई। और जिस तरह से इन्होंने अपने चुनाव में मुद्दे उठाए और चुनाव में सत्ता हथियाने के लिए लोगों को सब्ज बाग और सपने दिखाए, किस तरह से चुनाव जीतने के बाद जनता को और जनता की भावनाओं को दूध में से मक्खी की तरह बाहर किया जाता है, उसका उदाहरण अगर साक्षात देखना है तो उत्तराखंड में देखा जा सकता है।